नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। रणजी क्रिकेट या रणजी ट्रॉफी का राउंड 5 इलीट ग्रुप का समाप्त हो चुका है। एक बार फिर से रिजल्ट के राउंड अप लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मनोज जोशी सर। सर, अगर शुरुआत की जाए तो कैसा था ये राउंड 5, पर्टिकुलरली होम साइड का डोमिनेंस और ज़्यादातर मैच ड्रॉ में तब्दील हुए? जी हाँ, कुछ मैचों के परिणाम आए, कुछ मैच जो है ऐसा लगा कि एक दिन अगर और होता तो निश्चित तौर पर परिणाम आते, चाहे वो सौराष्ट्र का मुकाबला हो या मुंबई वाला मुकाबला हो। लेकिन बाकी मुकाबले रोचक रहे, कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहे, वो दर्शनीय जरूर रहे। बिल्कुल, अगर बात कर रहे थे सर मुंबई की, तो शुरुआत करते हैं मुंबई से, क्योंकि मुंबई लगातार दो मैच हारी थी लास्ट के दो मुकाबले और इस मैच में वापसी की। हालांकि ये मैच ड्रॉ रहा है, लेकिन फिर भी एक डोमिनेंस परफॉर्मेंस था। पहली पारी में 488 रन पोस्ट किए, कप्तानी पारी खेली आदित्य तारे ने 154 रन की, और शम्स मुलानी जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक और 87 रन की पारी। और वहीं अगर बात की जाए अपोनेंट तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु सर पहली पारी में 324 और दूसरी पारी में 48, हालांकि तब तक मैच समाप्त हो चुका था, यानी कि ड्रॉ में तब्दील हो चुका था। शम्स मुलानी के आपने नाम लिया, बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस, पहले 87 और उसके बाद उन्होंने चार विकेट भी चटकाए हैं और लेफ्ट आर्म प्लेयर हैं, और उसके साथ आदित्य तारे के साथ जो उन्होंने एक पार्टनरशिप की, उससे मुंबई बहुत ही मजबूत स्थिति में आ गया। और उसके बाद जो है गेंदबाजी से उन्होंने जो कमाल दिखाया, और उसके बाद तमिलनाडु की ओर से अच्छा लगा 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए आर अश्विन को, जी बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, कितना स्कोर 79 रन के, बिल्कुल। तो एक अच्छा वो है कि भारतीय टीम में अगर वो टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं तो निश्चित तौर पर ये सारा अनुभव जो है उनके बहुत काम आएगा। बिल्कुल, और पहली पारी में 3 विकेट भी थे उनके झोली में। लेकिन अब बात करते हैं, मूव ऑन करते हैं दूसरे तरफ, जो यहाँ पे बहुत ही शानदार प्रदर्शन बल्ले के साथ चेतेश्वर पुजारा ने, मैं बात कर रहा हूं यहां पे सौराष्ट्र वर्सेस कर्नाटका की, जहां 581 रन ठोक दिए थे बिकॉज ऑफ दैट मैमथ इनिंग जो 248 रन की खेली थी चेतेश्वर पुजारा ने। उसके बाद बहुत ही अच्छा योगदान, बहुत ही अच्छा साथ दिया शेल्डन जैक्सन ने, 161 रन की पारी थी। लेकिन सर अगर बात की जाए तो ये सबसे अच्छा एक जुगलबंदी थी, एक युवा सितारा और एक मजा हुआ खिलाड़ी। जी हाँ, पुजारा और शेल्डन जैक्सन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जिस तरह से इनिंग बिल्ड की है, और डबल सेंचुरी बनाई चेतेश्वर पुजारा ने, और वो कई रिकॉर्ड इस पारी के अंदर उन्होंने बना दिए। एलीट जो नॉक प्लेयर हैं उस कैटेगरी में वो आ गए, तो ये अपने आप में अच्छा है। और इतना इनकी बल्लेबाजी की बदौलत सौराष्ट्र इतना मजबूत स्थिति में आ गया, और उसके बाद जो है और ज्यादा मजबूती का काम किया जयदेव उनादकट ने, 5 विकेट चटकाकर। तो भारतीय टीम के आपको याद होगा लेफ्ट आर्म पेसर हुआ करते थे, बहुत उम्दा, हालांकि वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बाएं हाथ के रूप में एक विकल्प के तौर पर जरूर वो हमेशा मौजूद रहते हैं। और इसी के चलते पहली पारी में उनकी कर्नाटका की टीम सिमट गई थी 171 रन पे, लेकिन दूसरी पारी में अच्छी वापसी की, 220 पे 4 विकेट के नुकसान पे उनकी जो पारी थी समाप्त हुई, और मैच ये भी ड्रॉ में रिजल्ट रहा। लेकिन यहाँ पे कर्नाटक जो है उनके पास जो टॉप प्लेयर्स नहीं थे, जिसका मतलब है कि उन पर वो बहुत ज्यादा निर्भर थी। बिल्कुल, अब वो प्लेयर से निर्भरता हटी तो देख लीजिए दुर्घटना घटी, वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। लेकिन मुंबई के साथ उल्टा है, मुंबई के प्लेयर निकले बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। जी, इसे कहते हैं जिम्मेदारी का एहसास करना, जी बिल्कुल, मुंबई के खिलाड़ियों ने साबित किया। बिल्कुल, यहाँ जिम्मेदारी उठाई, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी ने, मैं बात कर रहा हूँ रवि कुमार समर्थ की, जिनकी पहली पारी में उनके बल्ले से 63 रन निकले, उसके बाद दूसरी पारी में 74 रन, उनके अलावा बाकी इतनी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन नहीं था अगर बात की जाए कर्नाटक की टीम की। लेकिन हम मूव ऑन करते हैं नॉर्थ की तरफ। जी हाँ, ग्रीन पार्क कानपुर में खेला गया था एक और ट्रॉफी का, रणजी ट्रॉफी का मैच बिटवीन यूपी उत्तर प्रदेश एंड बड़ौदा। तो सर यहाँ पे 31 रन ठोके थे शुरुआती पारी में, वहाँ पे मोहम्मद सैफ का 123 एक सेंचुरी थी, उपेंद्र यादव जो विकेट कीपर है उनके बल्ले से सेंचुरी निकली, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैटिंग पावर हाउस, बैटिंग डोमिनेंस दिखा। जी हाँ, बड़ौदा की ओर से एक विष्णु सोलंकी को छोड़ दो तो वैसे वो कोई आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। जी, सैफ ने बहुत हुनर दिखाया है, हालांकि टीम में अंदर बाहर होते रहे हैं, पहले तो उनको अपनी जगह टीम में पक्की करनी चाहिए, और उसके बाद जो है अपनी और सारी चीजें प्रायोरिटीज अलग और क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि उन्होंने दिखाया उनमें हुनर है। अगर यही हुनर वो आगे भी दिखाते रहे तो निश्चित तौर पर ये यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, लेकिन यहाँ पे अच्छा हुआ इवेंचुअली केरल की टीम के लिए। जी हाँ, लास्ट 3 मैच जो हमने आपको बताया वो ड्रॉ में तब्दील हुए, लेकिन एक रिजल्ट आया, बहुत ही लो स्कोरिंग मैच था केरल वर्सेज पंजाब के बीच जो खेला गया था केरल के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, वहाँ से ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में पहली पारी में महज 227 रन पोस्ट कर पाई होम टीम, और जवाब में 218 रन बनाए पंजाब ने। उसके बाद इन्होंने और अपना थोड़ा स्तर गिराया, 136 रन पे आउट हो गए, और वो 24 रन पे आउट हो गए, इसी के चलते 20 रन से मैच जीता। लेकिन सर अगर बात की जाए तो बॉलर्स का ही दबदबा रहा इस मैच में।
जी हाँ बिल्कुल, जलज सक्सेना जो इंदौर के रहने वाले हैं, पलायन किया उन्होंने कर्नाटक केरल की तरफ, और वही उनके लिए बहुत निर्णायक साबित हुआ, ट्रम्प कार्ड साबित हुए, 7 विकेट दूसरी पारी में और पहली पारी में एमडी निदीश जी, क्योंकि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं दाएं हाथ के, उन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं। तो एक तरह से इन बॉलर्स ने एक स्पोर्टिंग विकेट पर मैच को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी तरह से केरल के पक्ष में डालकर एक तरह से उलटफेर कर दिया, एक बड़ा उलटफेर बिल्कुल। और मेजॉरिटी विकेट, क्योंकि 20 में से 14 विकेट सिर्फ इन्हीं दो की जोड़ी ने निकाल के दिए, और इसी के चलते 20 रन से मैच जीती केरल की टीम। तो ये था हमारा रणजी ट्रॉफी का राउंड 5 का राउंड अप। राउंड 6 जब से शुरू होगा आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तमाम रणजी ट्रॉफी के अपडेट्स आपको सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म यानी इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स पर ही मिलते हैं। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट। We'll be right back.